दोस्तों, एक ऐसी खबर 23 जुलाई के पेपर में छपी है जिसको देखकर जो है मन काफ़ी दुखी हुआ। और दुखी इसलिए हुआ कि इसका जो हेडिंग था उसमें लिखा गया था कि एक मेडिकल छात्रा ने जो है चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब किन हालात में, किन परिस्थितियों में उसने आत्महत्या की, ये तो जाँच का विषय है जो भी सामने आएंगे। लेकिन जो कंक्लूजन निकल के आता है वो कहीं ना कहीं कि जो है BMS से एडमिशन के बाद से जो है फ्रस्ट्रेट था, क्योंकि जो पेपर में कोट किया गया है कि जो उसने अपने लेटर में लिखा हुआ था कि वो जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया। तो ये न्यूज़ को देखकर एक बात तो ज़रूर सोचने वाली है कि वो बच्चा आखिर इतना फ्रस्ट्रेट क्यों था, डिप्रेशन में क्यों चला गया, जो उसे इतना जो है ख़तरनाक कदम उठाना पड़ा। कोई भी प्रोफेशन, चाहे हम MBBS की बात करें या BMS की बात करें या कोई भी, सारे प्रोफेशन खुद व्यक्ति की क्वालिटी पे और उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि फ्यूचर में क्या करेगा। हम लोगों ने देखा है कि बहुत से ऐसे छात्र जो हैं जो MBBS करने के बाद भी, MD करने के बाद भी सुसाइड कर लेते हैं, आप लोग अक्सर न्यूज में पढ़ते होंगे। तो ऐसा नहीं कि कोई खास आप स्ट्रीम में एडमिशन ले लेते तो बहुत अच्छा कर पाते। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमने जहाँ भी एडमिशन लिया है वो हमारे लिए बेहतर है और हम इसमें अपना जो है फील्ड बना सकते हैं, अपना करियर इसी में हम बेहतर कर सकते हैं। इतना डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है कि आपको इतना जो है खतरनाक कदम उठाना पड़े, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि आपके जाने के बाद आपके परिवार पे, आपके माता पिता पे क्या गुजरती है। अगर आपको नहीं पसंद था तो आप इसको छोड़कर जा सकते थे, बजाय कि आपने आत्महत्या किया, आपको छोड़ कर चले जाना चाहिए था आप। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जिसके भी मदर फादर आप, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके बेटे को कोई भी कोर्स पसंद नहीं है, चाहे BMS की बात करें या कोई भी कोर्स हो, बहुत से छात्र होते हैं, सबके अपने अपने सपने होते हैं, सबका अपना अपना मार्ग होता है। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, या कोई आपका सिविल में जाना चाहता है। तो बिना वजह प्रेशर करने से कहीं ना कहीं जो है बच्चे परेशान होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बच्चे को जो भी पसंद हो, हर माता पिता को ये चाहिए कि पहले आप अपने बच्चे की रुचि देखें कि बच्चे को क्या पसंद है, और उसके पसंद के हिसाब से कोशिश करें कि वो आगे जाए। जबरन अपनी इच्छाओं को थोपने के जो है परिणाम जो है बहुत अच्छे नहीं होते। हम लोगों ने अक्सर देखा है कि माता पिता की जिद के आगे बच्चा जो है कोर्स ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने के बाद जो है इसके बहुत दुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। बच्चा जो है कुछ ना कुछ जो है गलत चीज़ें कर बैठता है और जिसका ज़िंदगी भर अफसोस होता है। तो माता पिता को भी चाहिए कि बच्चे की इच्छा के अनुसार जो है एडमिशन दिलाएं, बच्चे की जिस सब्जेक्ट में रुचि हो उसी में जाए। और छात्रों से मेरी यही अपील है कि भाई, अगर आपको पसंद नहीं था तो आप छोड़ के चले जाएं। जान देना ही एक जो है समाधान नहीं है किसी भी चीज़ का, क्योंकि आप कहीं भी जाएं, अगर आप में खुद में हौसला नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। तो सबसे ज़रूरी है कि अपने अंदर आप आत्मविश्वास लाएं। आपको नहीं पसंद है, आप बेहतर है, उस कोर्स को छोड़कर चले जाएं। इस न्यूज़ को देखने से यही लगता है कि जो छात्र था वो BMS में आने से परेशान था, उसको MBBS चाहिए था लेकिन BMS में आने की वजह से वो परेशान था। तो इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भी फर्स्ट ईयर के जो टीचर्स हैं वो बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि बच्चे साइंस स्ट्रीम से आते हैं और यहाँ आने के बाद जो है उनको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलती है, नया परिवेश मिलता है और नई जो सब्जेक्ट्स हैं, नई नई चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, जिससे बच्चे जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो एडजस्ट कर लेते हैं, उनको हर चीज़ समझ में आने लगती है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या आती है इन सब चीज़ों को समझने में। तो जो भी हमारे आयुर्वेद के जो शिक्षक मित्र हैं, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के हैं, उनको चाहिए कि बच्चों में फर्स्ट ईयर में उनको थोड़ा सा मनोबल को बढ़ाया जाए, उनको चीज़ों को समझाया जाए, क्योंकि आयुर्वेद जो है काफ़ी आगे ले जा सकता है। बहुत से हमारे देश में एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, जैसे कि अभी देखिए हमारे जो है जो डॉक्टर मनोरंजन साहू सर हैं, उनको पद्मश्री मिला है, इसके पहले प्रोफेसर रामहर सिंह सर को भी मिल चुका है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको भी पद्मश्री मिला है और सब अपनी जो है काबिलियत से पद्मश्री पाए हुए हैं। और बहुत से, जैसे कि आप फार्मा इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लीजिए या बाबा रामदेव का एग्जाम्पल ले लीजिए, सभी आयुर्वेद से बिलोंग करते हैं और सबने अपनी मेहनत से, अपने उत्साह से अपने को उस लेवल तक लेकर गए हैं। तो निश्चित रूप से आप अगर आयुर्वेद में आ गए तो हौसला रखिए, अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए कि कहीं भी आप आ गए तो आप आयुर्वेद में ही अपने नाम बनाएंगे। इससे हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर फील्ड अच्छा है आपके लिए अगर आप में आत्मविश्वास हो। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप कहीं भी सफल नहीं हो सकते। और कभी भी आपको डिप्रेशन में जाएं तो आप अपने अच्छे मित्रों की सलाह लें, बहुत से मित्र आपको मिलेंगे, अच्छे टीचर्स के संगत में रहें।